दोस्तों, अगर आपके फोन पर कोई भी कॉल करने के लिए अगर आपको मोबाइल लेगा तो वो चौंक जाएगा, भाई ये तूने कैसे किया कैसे किया कैसे किया। खैर, उसको बाद में बताना है, पहले आप तो जान लीजिए आखिर ये है क्या। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं, उस एप्लीकेशन को, ठीक है। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी करता है इनको सिंपली क्लिक करना है, कस्टम थीम एंड वगैरह वगैरह। जैसे कि इस तरीके से आपको सब कुछ खुद ही सिखा देता है एप्लीकेशन। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो जैसे कि ये इस तरीके से आपका कॉल उठेगा, लगभग आईफोन की कॉपी एंड डबल टैप करने पर यहां पर आपका कॉल कट हो जाएगा एंड वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनको जो भी ये परमिशन मांगता है सिंपली सबके सब परमिशन मांगेगा एंड यहाँ पर इनको इनेबल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमको सबसे पहले रीड राइट कॉल हिस्ट्री पर इसको इनेबल करके इसको अलाउ कर देना है एंड अलाउ करने के बाद सिंपली ये वाले एप्लीकेशन पर भी आपको मतलब इस वाले हिस्ट्री पर भी क्लिक कर देना है, स्टोरेज पर भी आपको क्लिक कर देना है एंड डिफ़ॉल्ट कॉल फोन पर भी आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि जब भी आपको कॉल से संबंधित है या कॉल स्क्रीन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको कॉल फोन पर इसको डिफ़ॉल्ट रहता है, तो सेट बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देना है एंड यहाँ पर फोन स्टेट आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो आपके सारी परमिशन हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है। जब दोस्तों ये परमिशन आपको कंप्लीट हो जाना, तो उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस फोन को वेक कर देना है। एक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाती है एंड सबसे जरूरी बात इसमें कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, तो आपको ऐड देखने को मिल जाती है। तो इस ऐड से तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप ऐड को इग्नोर करके काम करोगे तो काफ़ी अच्छा लाभदायक ये एप्लीकेशन है आपको मोबाइल को स्टाइलिश बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है आपको। तो इन पर जैसे कि हमें डायलर से मतलब है, तो सिंपली आपको डायलर पर क्लिक कर देना है एंड डायलर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ गया है। अब जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था कि आप इस इंटरफेस के आगे अपना फोटो कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पर इस नीचे वाले आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कस्टम वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जिसकी पहले से ऑलरेडी इस एप्लीकेशन की होते हैं एंड अगर आपको मतलब कि एप्लीकेशन के अलावा जो एप्लीकेशन में फोटो दिए गए हैं उनके अलावा अगर आपने गैलरी से लेना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक इमेज पर क्लिक कर देना है एंड पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको पिक इमेज पर क्लिक कर देना है वापसी से एंड कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये फोटो सिलेक्ट करना है, तो जो भी साइज में आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है एंड ये हमारा काम खत्म हो चुका है एंड वेक करना है, क्योंकि ऐड तो आपको परेशान कर सकते हैं। सिंगल मत रहे, यहाँ देख सकते हो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बैक करते हैं और बैक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से डायल फेड आ चुका है। एंड बात आती है कि मतलब कि इसको पर्सनली कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर इसको हटाना है, यहाँ से कहीं भी रिमूव कर देना है जहाँ भी आपको करना चाहो एंड यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पर ला सकते हो। इस तरीके से आप अपने मोबाइल जो डायल फेड है उस पर अपनी फोटोज़ लगा सकते हो एंड मज़ा करा सकते हो, अपने किसी भी दोस्त को चौंका सकते हो। कोई भी पूछेगा तो भाई ये तूने कैसे किया, तो बता देना कैसे कैसे किया है, या फिर ये वीडियो ही शेयर कर दो ना सीधी बात।